तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कॉस 1/2 इंटू में साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू रूट में 42 अपॉन में 7 देन पी इज इक्वल टू व्हाट, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, हम देखिए इस टर्म को हम अल्फा के इक्वल मान लेते हैं। लेट 1/2 इंटू में साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू अल्फा, 2 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा पी इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। हम देखिए इस टर्म को हमने अल्फा के इक्वल माना है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट में 42 अपॉन में 7। हम देखिए हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास होती है 1, हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जगह पुट कर देंगे रूट में 42 अपॉन में 7, हो जाएगा रूट में 42 अपॉन में 7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 42 अपॉन में 49 इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 42 अपॉन में 49। इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7 अपॉन में 49। इस इक्वेशन का दोनों साइड रूट लेंगे, यहाँ से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 7 अपॉन में 7। हम देखिए साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला सब जानते हैं, हमारे पास होता है 2 साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू में साइन अल्फा की वैल्यू आ गई रूट में 7 अपॉन में 7 इंटू में कॉस अल्फा की वैल्यू है रूट में 42 अपॉन में 7, हो जाएगा रूट में 42 अपॉन में 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू में रूट में 7 अपॉन में 7 इंटू में रूट में 42 को लिख सकते हैं रूट में 7 इंटू में रूट में 6 अपॉन में 7। हम देखिए रूट में 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 इंटू में रूट में 6 अपॉन में 7, ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।